अबे ओ धमकी किसको दे रही है, तेरी औकात क्या हमारे सामने? तू दो कोड़ी की चाइनी मोमो वाली तो जिस जमीन पे खड़ी ना वो हमारी है, और पता है हमारी कंपनी पूरे शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है। तेरी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। और पुलिस वो तुम्हारी जेब में रहती है। हाँ, पुलिस को सरकार से ज्यादा तो सैलरी हम ही देते हैं। अरे मैडम आप यहाँ पैदल ही आ गई, गाड़ी ठीक हो ही गई थी। कौन है ये? अरे आप इन्हें नहीं जानती, ये हमारे एरिया की नई जिला कलेक्टर है, IAS ईशा वर्मा। क्या? हाँ। आप ही हमारी साइट की इंस्पेक्शन के लिए आई हैं? जी हाँ। आपको पता भी है अभी जो आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ किया वो कितना गलत था। और हाँ, आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोगों को आप जैसे लोग अपना नहीं मानते। तुम दोनों की फाइल तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, भ्रष्टाचार की सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर तुम दोनों यहाँ तक पहुँचे हो। पुलिस को सरकार से ज्यादा तो सैलरी हम ही देते हैं। इतना करप्ट होके भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप जैसे लोग दूसरों को नीचा दिखाते हुए घूम रहे हैं। हवलदार गिरफ्तार कर लो इन दोनों को।